हाय एवरीवन, चलिए एक आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, या चलिए मैं आपसे पूछती हूँ भारत के पहले प्रेसिडेंट कौन थे। आई एम श्योर आप में से बहुत लोग बता पाएंगे, पर क्या आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी? आपको अगर ये सवाल का जवाब नहीं पता है तो आपके लिए आज का दिन इम्पोर्टेंट है, और आज के दिन से आप इस चीज को हमेशा याद रखेंगे। 18 जुलाई 1861, यस, टुडे द फर्स्ट फीमेल डॉक्टर फ्रॉम इंडिया, नॉट ओनली इन इंडिया, फ्रॉम द एंटायर एशिया, शी वॉज बॉर्न टूडे। एंड येस, आई एम टॉकिंग अबाउट कादम्बिनी गांगुली। सो कादम्बिनी गांगुली का जन्म आज हुआ था, और ये भारत की पहली महिला डॉक्टर थी जिन्होंने 1884 में कैलकटा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था। कैलकटा मेडिकल कॉलेज जो लॉर्ड बेंटिक ने एस्टैब्लिश किया था 1835। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू। सो कादम्बिनी गांगुली ने यहां पे एडमिशन लिया, देन आफ्टरवर्ड्स यू नो शी वेंट टू एडनबर्ग, एंड उन्होंने आगे की पढ़ाई स्कॉटलैंड में जाके अपनी पूरी करी, और वहां पे उन्होंने 3 डिप्लोमास लिए थे, एंड बिफोर दोज 3 डिप्लोमास उनको वहां पे फेल भी कर दिया गया था, शी डिडंट क्वालिफाई हर पेपर। सो उन्होंने काफी सारी दिक्कतों के बावजूद अपनी ये मेडिसिन की डिग्री ली थी, डिप्लोमा लिया था, एंड शी केम बैक टू इंडिया। Another interesting fact related to her, she is also associated with Bethune School. So Bethune School, जो कि दूसरा स्कूल था भारत का after Pune, and it was established in 1849. After that, 1879 में यही स्कूल Bethune College बन गया था। So कादम्बिनी गांगुली वहां से भी पढ़ी हुई है, and drink water Bethune established this college, as you must be knowing that. So apart from that, there are few interesting facts about कादम्बिनी गांगुली जो कि हमारे लिए सबके लिए बहुत इंस्पायरिंग होने चाहिए। कादम्बिनी गांगुली की शादी हुई थी 11 दिन पहले जब उन्होंने मेडिकल मेडिसिन में एडमिशन लिया था। सो 11 डेज बिफोर ओनली शी वॉज यू नो शी गॉट मैरिड, एंड येट शी कंटिन्यूड बिकॉज ऑफ कोर्स शी मस्ट हैव गॉट अ वेरी सपोर्टिव हस्बैंड। एंड उनकी जो जर्नी थी ये बहुत आसान नहीं थी, उनको बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया। वो उस टाइम पहली महिला थी पूरी ब्रिटिश एम्पायर से जो डॉक्टर बनी, और वहां जाके उन्होंने पढ़ाई करी थी, नॉट इवन इन इंडिया, शी कंटिन्यूड हर स्टडी देयर एज वेल। सो देर वॉज एन आर्टिकल दैट वॉज पब्लिश क्रिटिसाइजिंग हर, और उस आर्टिकल के लिए उनके हस्बैंड ने कोर्ट में केस लड़ा था, और फाइनली उस एडिटर को जेल हुई थी बिकॉज ही वन दैट केस। सो दैट वाज द काइंड ऑफ सपोर्ट शी गॉट फ्रॉम हर हस्बैंड। एंड नॉट इवन हेयर, द स्टोरी डजंट एंड हेयर। सो जब कादम्बिनी गांगुली अपनी मेडिसिन 3 डिप्लोमा एडिनबर्ग से लेकर वापस लौटी, तो उन्होंने यहां पे आके देर वॉज अ केस, वेरी पिक्यूलर केस, जहां पे कुछ डॉक्टर्स ने एक लेडी के पेट में ट्यूमर है ऐसा बोला था, लेकिन गांगुली ने मिसेस गांगुली ने उसको डिटेक्ट किया, और उन्होंने बताया ये ट्यूमर नहीं है, शी इज जस्ट यू नो प्रेग्नेंट, एंड देर इज नो ट्यूमर इन साइड हर स्टमक। सो दैट वॉज द यू नो द लेवल एज शी गॉट देयर, एंड वो जो पढ़ाई उन्होंने करी थी वो शायद सब उस टाइम सब उसको मान गए थे। एंड ऑफकोर्स वेन शी डाइड एज वेल इन 1920s ऑन 3rd of October, शी परफॉर्म्ड हर द लास्ट सर्जरी ऑफ हर लाइफ द सेम डे। सो वो वही सर्जरी या मेडिसिन करते हुए ही इस दुनिया से गई। सो आपको नहीं लगता इनके बारे में, हाँ, ये डिजर्व करती हैं सब लोग जाने कि हु वॉज द फर्स्ट फीमेल डॉक्टर, एंड स्पेशली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन यूनिट 10 हायर एजुकेशन, इसमें ऐसे फैक्ट्स पूछते हैं बी इट रिलेटेड टू कैलकटा मेडिकल कॉलेज, बेथुने स्कूल, बेथुने कॉलेज, कादम्बिनी गांगुली, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दिस वॉज अ शॉर्ट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, सिंस टूडे इज 18th of July एंड इन हैपन्स टू बी अ सिग्निफिकेंट डेट इन हिस्ट्री, सो आई ब्रॉट दिस इन्फॉर्मेटिव वीडियो फॉर यू। सो फॉर मोर सच वीडियोज कीप ऑन लाइकिंग, इस वीडियो को भी जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सबको पता चल जाए ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एंड ऑफकोर्स वी एज इंडियन शुड नो अबाउट इट, एंड कीप सपोर्टिंग अस। दिस इज तुषिभा शुक्ला, योर पेपर वन फैकल्टी एट बायजूस एग्जाम प्रेप। टेक केयर, बाय बाय।